नेक्स्ट जो शॉल है वो है ये, सेम कलर है डार्क कलर में, इसमें बस डिजाइन का स्टॉल रख के दिखा रही थी यहाँ पे, क्या आतंक मचा दी इस लड़की ने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है, जितने भी मेरे पास न्यू स्टॉक में शॉल स्टॉल और मफलर आए उसके ऊपर होने वाला है। और मैंने सोचा कि आपको मैं दिखा ही रही हूँ तो मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ अपनी किन्नौरी ट्रेडिशनल। थोड़ा सा मैंने सॉली पहना है, साथ में थोड़े से अपने ट्रेडिशनल जो ज्वेलरीज है वो पहना है। यहाँ पे मेरे साथ है यहाँ पे दीदा, अभी वो बिजी है। एक्चुअली मैंने उसको सुला दिया था पर वो उठ गई है, तो इसके साथ ही अब शूट करूंगी। देखती हूँ करने देती है कि नहीं देती है। वैसे मैंने इसको अपने सारे खिलौने उतार के दे दिए, बिजी रखने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं जल्दी से आपको जितने भी स्टॉक है वो दिखा देती हूँ। तो ये है मेरे स्टॉक, कुछ मफलर, शॉल और स्टॉल। और मेरे पास वाइट में इस बार शॉल और स्टॉल ज़्यादा होगा, आपको एक एक करके खोल के दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जो शॉल है वो है ये वाला शॉल, तो आप देख सकते हैं इसमें जो डिज़ाइन है, तीन डिज़ाइन, ये अंगूरा में है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर शॉल है। जो नेक्स्ट वाला शॉल है वो है ये वाला, ये भी है डार्क ब्राउन में, पहले वाला जो था वो भी डार्क ब्राउन में था, ये वाला भी डार्क ब्राउन में। तो इन दोनों में डिज़ाइन का फ़र्क है, बाकी मटेरियल जो है, कलर जो है, सब कुछ सेम है, बस डिज़ाइन का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टी डिज़ाइन लगाया हुआ है, उसमें प्लस लगा हुआ था, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर शॉल है ये वाला भी। तो ये है तीसरा शॉल जो है लाइट ग्रे कलर में, और ये वाला जो है ये भी है अंगूरा में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर शॉल है। तो फोर्थ नंबर पे है वो है ये वाला वाइट कलर में शॉल है, और इसमें भी टी डिज़ाइन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। और ये प्लेन है, इसमें कोई अंगूरा नहीं है, ये प्लेन वाइट कलर में। तो नेक्स्ट जो शॉल है वो है ये वाइट कलर में, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर शॉल है। अच्छा, सिंगल डिज़ाइन में ये वाला शॉल अंगूरा में ब्राउन कलर में, पास से आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ मैं इसका, ये वाला। तो मैंने आपको दिखा दिया है शॉल के जितने भी कलेक्शन थे, अब मैं आपको दिखाऊंगी स्टॉल्स जो आए हैं। बट यहाँ देखिए जहाँ पे मैं स्टॉल रख के दिखा रही थी, यहाँ पे क्या आतंक मचा दी है इस लड़की ने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। नो, बच्चों के साथ इतना मुश्किल हो जाता है ये सारा शूट करना। अपनी दीरा को आने के पास रखा है, वो बिल्कुल काम करने नहीं दे रही थी, तो आने को मैंने बुला लिया कि इसको थोड़ी देर अपने पास रखो, देखो करके, तब मैं जल्दी से शूट कर लेती हूँ, फिर फारिक होकर जाऊँगी। और यहाँ देखिए कितना आतंक मचा दिया। नेक्स्ट जो है वो है स्टॉल ये वाला ग्रे कलर में अंगूरा में, और आप डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। और ये जो दो स्टॉल है वो सेम है, बस इसका जो बीच में डिज़ाइन है वो सारा सेम है, बस साइड में इसमें टी डिज़ाइन है और इसमें ये वाला डिज़ाइन है, यही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। तो ये थे कुछ शॉल और स्टॉल्स की कलेक्शन, और मैं अब आपको दिखाती हूँ मफलर्स। है मफलर तीन ब्राउन में, ये वाला जो है ये है सबसे पहले अंगूरा में ब्राउन कलर में, और ये दोनों है सिंपल प्लेन में, और इनमें डिज़ाइन अलग है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। और जो वाइट में है आप देख सकते हैं ये है, इस यहाँ पे तीन डिज़ाइन लगे छक्कन है, और इसमें यहाँ पे टॉप में छक्कन नहीं है। तो ये है तीन तीन डिज़ाइन में पांच मफलर। तो ये थे मेरे प्रोडक्ट्स, तो अभी जल्दी से समेट लेती हूँ सारा सामान, और अभी दीदा भी वेट कर रही होगी। तो व्लॉग तो शूट कर लिया पर उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना सारा मैस हो जाता है, तो इसको जल्दी से अच्छे से तय कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अच्छे से मैंने इसको तय कर दिया, पैकेट्स में लगाऊंगी, और अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए, लंच का टाइम हो गया है, फिर मिलती हूँ जल्दी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं लंच में बना क्या रही हूँ। आज लंच में बन रहा है बिच्छू बूटी की सब्जी, तो लास्ट ईयर हमने इसको ट्राई करके रखा था, तो हम सर्दियों में इसकी सब्जी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, और ये बनाऊंगी। साथ में चावल चढ़ा दिया, पक चुका है, जल्दी से ही बनाती हूँ और बच्चों को खिला लेती हूँ। लंच बन के तैयार हो चुका है, चावल के साथ थोड़ा सा घी लगा के। देख,
अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे और ये यहाँ पे खेल रहे हैं ये लोग। मौसम भी काफी खराब हो रहा है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ मौसम का हाल फिर से काफी खराब हो रहा है। यहाँ से दिखाती हूँ, रखो बोलो तो यहाँ देखिए फिर से ठंडा ठंडा सा हो रहा है मौसम। अभी मैं चाहती हूँ और इनके लिए स्नैक्स बना के लाती हूँ। भरी तेल मैंने रख दिया यहाँ पे गर्म होने के लिए और तो ये हो गया बनके रेडी। कौन कौन खाएगा ये? मैं। ये लो ये वाला। हाँ ये वाला। दोनों को गिन गिन के लगाया ठीक है। ये वाला धीरा का यहाँ बैठो बेटे, टेस्टी है कि नहीं है? कलेक्शन थे दर्शी पर हिमालय के मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। ये सारे स्टॉल शॉल और मफलर्स अवेलेबल हैं न्यू स्टॉक में, तो अगर आप में से कोई ऑर्डर करना चाहे तो मेरी व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ और आइटम्स हैं वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी किन्नौरी प्रोडक्ट्स। डिलीवरी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पर भी आप डिलीवरी मतलब हो जाएगा कहीं पर भी अगर ऑर्डर करना चाहते हो। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर इसके अलावा कुछ और आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं आज अपना चेक करी थी ऑडियंस में, तो ऑडियंस में मैं देख रही थी व्यूअर्स जो है मेरे 68% वो ऐसे व्यूअर्स है जो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि और मोटिवेशन मिलेगी कि मैं हर दिन एक ब्लॉग अपलोड कर सकूँ। और आप लोग का प्यार मिलेगा तो मैं थोड़ा सा ग्रो कर पाऊंगी यूट्यूब पे भी। तो इसी के साथ जो आज का ब्लॉग है हम यहीं पेन करते हैं। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलती हूँ।